हेलो बच्चों, कैसे हो आप बच्चों। ज्ञान गंगा विद्यालय द्वारा आयोजित ऑनलाइन शिक्षण पद्धति के अंतर्गत मैं सिंह अंजना आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज मैं आप लोग को सामाजिक विज्ञान का पहला पाठ पढ़ाने वाली हूँ। पहले पाठ का नाम है इतिहास के स्रोत। हजारों वर्ष पूर्व घटी घटनाओं के बारे में हमें कैसे जानकारी मिलती है, कैसे पहले के लोग कैसे रहते थे, किस तरह का अपना जीवन व्यतीत करते थे, कैसे एक दूसरे के पास संदेश का व्यवहार करते थे, भेजते थे संदेश, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो पहले के ज़माने में खुदाई के द्वारा ऐसे अनेक चीज़ें वस्तुएं मिली हैं जिनके आधार पर यह पता लगाया जा सकता है कि पहले के लोगों का जीवन कैसा था। उसी के बारे में आज हम आप लोग को पढ़ाएंगे। आगे पढ़ते हैं। आपके हाथ में हर रोज़ सुबह दैनिक समाचार पत्र आता होगा और उससे रोज़ घटने वाली घटनाओं के बारे में जानकारी मिलती होगी। यही घटना समय गुजरने के पश्चात भूतकाल बन जाती है। दोबारा ऐसी घटना होने पर वह समय और तारीख याद आती है। समाचार पत्र में बीती हुई घटनाओं की जानकारी और फोटो देखने को मिलते हैं। ऐसी जानकारी या फोटो के आधार पर पूरे इतिहास के बारे में जानने को मिलता है। बच्चों, आप लोग जानते होंगे दैनिक मतलब रोज़ होता है, तो रोज़ हमारे आप लोगों के घर में समाचार पत्र आता है और उसमें रोज़ की जो घटी घटनाएं होती हैं समाज में उसके बारे में छापी जाती है और वही घटना समय बीतने पर भूतकाल बन जाता है। लेकिन जब पहले की घटी घटनाएँ फिर से वर्तमान समय में घटती है तो पहले की घटी घटनाओं का समय और तारीख याद आ जाता है और समाचार पत्र बीती हुई घटनाओं की जानकारी फोटो और चित्रों के द्वारा देखने को अखबार में मिलता है। ऐसी जानकारी के या फोटो के आधार पर पहले का इतिहास कैसा था उसके विषय में हम लोग देखते हैं और जानते हैं। ऊपर दिए गए चित्र क्रमांक 1.1 में सिक्के, टिकट, मुहर, औजार, पक्की मिट्टी जिसे टेराकोटा बोलते हैं, उससे बने बर्तन आदि के चित्र दिए गए हैं। ऐसे ही चित्रों, वस्तुओं तथा सिक्कों जैसे स्रोतों के आधार पर इतिहास को जान सकते हैं। किसी भी वर्तमान स्थिति को समझने के लिए भूतकाल का ज्ञान आवश्यक है। आप लोग देख रहे होंगे चित्र में दिया है, टिकट का चित्र है, मुहर का चित्र है, औजार का चित्र है, पक्की मिट्टी जिसे टेराकोट बोलते हैं उससे बने बर्तन के चित्र हैं। तो ऐसे अनेक चित्र होते हैं, ऐसे अनेक वस्तुएं मिलते हैं जिनके आधार पर पहले के लोगों का जीवन कैसा था उसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। और अभी के समय वर्तमान मतलब अभी के समय की स्थिति को, समय को, दशा को जानने के लिए भूतकाल या पहले की यानी पहले की घटी घटनाओं के बारे में उसका ज्ञान होना आवश्यक होता है। हमारे आसपास पुरानी इमारतें, किलों, तालाब, मंदिर इत्यादि को देखने या उसके बारे में जानने से हजारों वर्ष पुराना इतिहास जाना जा सकता है। आपको लगता होगा यह किस तरह जाना जा सकता है, तो आइए हम एक प्रवृत्ति करके देखते हैं। आप लोग घूमने जाते हैं तो ऐसे कई जगह आप देखते हैं कि बहुत पुरानी इमारतें होती हैं, किले होते हैं, तालाब होते हैं, मंदिर होते हैं और अनेक ऐसी पुरानी वस्तुएं जो पहले के ज़माने में बनाया गया है और उसको जब हम देखते हैं तो उसको देखने के बाद हजारों वर्ष पुराना जो इतिहास रहा होगा, पहले के लोगों का जीवन कैसा था उसके बारे में हम उसकी जानकारी लेते हैं और हमें लगता होगा कि यह किस तरह जाना जा सकता है, तो एक प्रवृत्ति कार्य के द्वारा हम इसको जानेंगे। विविध चित्रों तथा लेखों से बनी संग्रह पुस्तिका से हमें इतिहास संबंधी जानकारी प्राप्त होता है, ऐसा आपने सुना होगा। बहुत से लोगों को इस तरह के चित्रों तथा लिखित सामग्री के संग्रह करने की आदत होती है और विविध यानी अनेक तरह तरह के चित्र, लेख जो लोग इकट्ठा करते हैं और उससे ऐसे ही पुस्तिका से हमें पहले की घटनाओं के बारे में, इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। आप लोगों ने सुना भी होगा और ऐसे कितने लोग होते हैं उनको ये रुचि होती है, आदत होती है कि पहले के घटनाओं से संबंधित चित्रों को और लेखों को एकत्रित करके रखते हैं। जो जानकारी एकत्र करते हुए किसी न किसी के द्वारा संग्रहित की हुई थी तभी आपको प्राप्त हो सकी। 20वीं सदी के समाप्त होने पर दिसंबर 2000 में लगभग सभी समाचार पत्रों में 20वीं सदी की घटनाओं का चित्रात्मक वर्णन देखने को मिलता था, जिसे मिलेनियम गैलरी नाम दिया गया था। बच्चों, हम लोग जानते हैं कि जो भी हम जानकारियां प्राप्त करते तो हमसे पहले भी
इस जानकारी को कोई न कोई एकत्रित करके संग्रहित करके रखता है, तभी इसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। और 20वीं शताब्दी जब समाप्त होने लगी तो दिसंबर 2000 के अंत में 2000 में जो भी घटनाएं घटी थी उसके बारे में अखबारों में चित्र के साथ छापा गया, उसके बारे में लिखा गया और उससे हम लोग उसके विषय में जानकारी लेते हैं और उसको नाम दिया गया मिलेनियम गैलरी। आगे पढ़ते हैं, चित्रों लेखों के आधार पर 20वीं सदी की घटनाओं तथा व्यक्तियों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, परंतु हमारा इतिहास तो हजारों वर्ष पुराना है। यहाँ कह रहे हैं चित्रों लेखों के बारे में छापा गए अखबारों में 20वीं सदी में जो घटनाएं घटी तो वो तो हम घटनाओं के बारे में व्यक्तियों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते, लेकिन पहले के जो हजारों वर्ष पूर्व घटनाएं घटी वो तो हमारा इतिहास उसके बारे में हम कैसे जानेंगे। हमें ऐसा विचार आएगा कि इतने वर्षों पहले के लोग क्या खाते होंगे, वे किस तरह के कपड़े पहनते होंगे, किस प्रकार के घरों में रहते होंगे, अपने जीवन की दैनिक प्रवृत्तियां किस प्रकार करते होंगे, ऐसी अनेक बातों की जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध आधारों तथा स्रोतों का सहारा लिया जाता है। आइए ऐसे कुछ स्रोतों के बारे में जानेंगे। बच्चों, हम लोग अखबारों में 20वीं सदी के बारे में तो पढ़ सकते हैं, चित्रों के द्वारा जान सकते हैं, लेकिन जो हजारों वर्ष पुराना इतिहास है हमारा तो हम उसके बारे में कैसे जाने, ऐसे इसको लेकर हमारे मन में तरह तरह के विचार आते हैं कि पहले के लोग क्या खाते होंगे, किस तरह के कपड़े पहनते थे, कैसे घरों में रहते थे, वो अपने रोज के जीवन का कार्य, अपने जीवन का रोज का कार्य जो है कैसे करते थे। तो ऐसे अनेक जानकारियों को प्राप्त करने के लिए हम अलग अलग तरह के आधार स्रोत जरिया को देखेंगे, उसका सहारा लेकर उसके विषय में हम जानेंगे। ऐसे कुछ यहाँ पे चित्र दिए गए हैं जिनके द्वारा हम जान सकते हैं कि लोगों का जीवन पहले का कैसा था। पहला है ताड़पत्र भोजपत्र। तो ताड़पत्र भोजपत्र यानी कि किस तरह के लिपि इसमें मतलब क्या है ये और किस तरह का इसको उपयोग में ये लोग लाते थे। भूतकाल के बारे में अनेक प्रकार से हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ताड़पत्र भोजपत्र उसी के प्रकार, पहले भूतकाल यानी बीते हुए समय के बारे में हम अनेक तरह से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और ताड़पत्र भोजपत्र एक तरह का ये भी प्रकार है, आधार है पहले के ज़माने के बारे में जानने के लिए। बहुधा ऐसे लेख पांडुलिपि में देखने को मिलते हैं। बहुधा यानी ऐसे अनेक लेख जो पांडुलिपि में देखने को हमें प्राप्त होता है। हिमालय में पाए जाने वाले बुर्ज नामक एक विशेष प्रकार के वृक्ष की छाल का उपयोग करके बनाए जाने वाले पत्रों को भोजपत्र कहा जाता था। पहले के ज़माने में हिमालय में पाए जाने वाले एक बुर्ज नामक विशेष प्रकार का वृक्ष था तो उसकी छाल को प्रयोग में लाते थे और उससे प्रयोग में लाने वाले पत्रों को ही भोजपत्र कहते थे। पांडुलिपि के उपरांत अन्य सभी लिपियां बहुत वर्ष पहले ही जंतुओं द्वारा नाश कर दी गई। पांडुलिपि के बाद ऐसे अनेक लिपियां थी जो जंतुओं के द्वारा समाप्त कर दिया गया, नष्ट कर दिया गया। फिर भी आज ऐसे कई भोजपत्रों तथा ताड़पत्रों के नमूने हमें मंदिरों, विहारों तथा सरकारी संग्रहालयों में मिलते हैं। अनेक ऐसे लिपि थे जो जंतुओं द्वारा नाश कर दिए गए, फिर भी ऐसे अनेक भोजपत्र तथा ताड़पत्र के जो नमूने हैं वो हमें मंदिरों, विहारों और सरकारी संग्रहालयों में देखने को मिलते हैं। उनसे उस समय की राज्य व्यवस्था, राजाओं तथा लोक जीवन के विषय में अत्यधिक जानकारी प्राप्त होती है। अभी भी जो भी भोजपत्र या ताड़पत्र के नमूने हमें बिहारों में, मंदिरों में या सरकारी संग्रहालयों में देखने के लिए मिलते हैं उससे हमें ये जानकारी प्राप्त हो जाती है हो कि पहले के समय में राजा की राज्य की व्यवस्था कैसी थी, वहाँ के राजा कैसे थे, वहाँ के राजा के का जीवन कैसा था, प्रजा का जीवन कैसा था, उससे अत्यधिक जानकारी हमें मिलती है। दूसरा है अभिलेख तथा शिलालेख। अभिलेख और शिलालेख क्या है इसके बारे में हम पढ़ेंगे आगे। प्राचीन काल में कोई भी राजा या शासक अपने तथा अपनी सिद्धियों के बारे में जानकारी किसी धातु या पत्थर पर खुदवा कर लिखवाते थे। पहले के ज़माने में, प्राचीन काल या पहले के समय में कोई राजा या कोई शासक जो कीर्ति यश प्राप्त करते थे उसके बारे में किसी धातु या पत्थर पर खुदवा कर लिखवाते थे। कोई आदेश या दूसरे राज्य के साथ समझौता करना हो तो वह भी धातु के पत्रे पर लिखवाया जाता था, या तो किसी को आदेश देना हो या किसी राज्य से समझौता करना तो उसको भी किसी धातु या पत्थर पर लिखवाया जाता था।
धातु या पत्थर पर उत्कीर्ण लेखन कार्य आज भी देखने को मिलते हैं। धातु या पत्थर पर जो खुदाई करके लिखाया जाता है, ऐसे कार्य आज भी कहीं कहीं देखने को हमको मिलते हैं। ऐसे लेखन कार्य को क्या करते हैं? अभिलेख कहते हैं। जो धातु पर या पत्थर पर खुदवा कर लिखाया जाता है, ऐसे लेखन कार्य को अभिलेख कहते हैं। जहाँ ऐसे अभिलेखों का संग्रह किया गया, उसे अभिलेखागार आर्काइव्स कहा जाता है। वर्तमान समय में भी ऐसे सरकारी अभिलेखागार मौजूद है। उदाहरण के लिए दिल्ली का सरकारी अभिलेखागार, जहाँ पे ढेर सारे अभिलेखों का संग्रह किया जाता है, एकत्रित किया जाता है, उसे अभिलेखागार या आर्काइव्स कहा जाता है। और अभी के समय, वर्तमान मतलब अभी के समय में ऐसे सरकारी अभिलेखागार मौजूद हैं, यानी उपस्थित हैं। उदाहरण के लिए जैसे हम ले लेते हैं दिल्ली का सरकारी अभिलेखागार। तीसरा है वर्तमान वर्तन हथियार तथा गहने। अब पहले के लोगों का बर्तन कैसा था, किस तरह के बर्तन प्रयोग में लाते थे, कैसे गहने पहनते थे, उनके औजार कैसे थे, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। खुदाई के दौरान कई बार प्राचीन युग के मिट्टी के बर्तन, पत्थर के हथियार तथा गहने पाए गए। इतिहास को जानने के लिए ये वस्तुएं बहुत ही उपयोगी साबित हुई। दिया गया चित्र 1.4 देखें। आपके आसपास भी यदि खुदाई का काम हो रहा हो और ऐसे प्राचीन यानी पुरानी वस्तु, पुराने समय की वस्तु प्राप्त हुई हो, तो उसके विषय में जानकारी प्राप्त करें। पर खुदाई के समय दौरान यानी समय में कई बार जब खुदाई होती है, तो पुराने युग के पुराने समय की मिट्टी के बर्तन, पत्थर के हथियार तथा गहने पाए गए, जिससे उससे जुड़े इतिहास के बारे में हम लोग जान सकते हैं। बहुत ही उपयोगी साबित होता है। और चित्र में आप लोगों ने देखा भी, कई तरह की वस्तुएं का चित्र छापा गया है। और अगर आपके आसपास भी खुदाई का काम हो रहा है और पुराने समय का कोई ऐसी वस्तु मिलती है, तो उससे संबंधित इतिहास के बारे में, बीते हुए समय के बारे में हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इन सभी वस्तुओं के उपरांत मूर्तियां, चित्र, मुद्राएं, हथियार, सिक्के इत्यादि का उपयोग भी इतिहासकार और पुरातत्ववेत्ता करते हैं। और इसके अलावा भी अगर मूर्तियां, चित्र, मुद्राएं, हथियार, सिक्के और भी बहुत से ऐसी वस्तुएं जो खुदाई के दौरान हमें प्राप्त होती, तो उसके विषय में इतिहासकार या पुरातत्ववेत्ता बताते हैं जानकारी लेकर। यानी कि प्राचीन समय की मूर्तियां, सिक्के, शिलालेख, ताम्रपत्र, चित्र इत्यादि के आधार पर इतिहास के बारे में हम जान सकते हैं। कहने का मतलब कि पहले के समय की जो मूर्तियाँ हैं, सिक्के हैं, शिलालेख हैं, ताम्रपत्र हैं, चित्र और ऐसी अनेक चीज़ें हैं जिनके द्वारा हम इतिहास पहले के समय इतिहास के बारे में पहले के समय के बारे में हम उससे संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आइए इतना जानिए, पढ़ते हैं इतिहास जानने के स्रोत। इतिहास जानने के क्या क्या स्रोत हैं, क्या क्या आधार हैं, किन किन चीज़ों के द्वारा हम पहले के समय, जो हजारों वर्ष पहले के लोगों का जीवन था, कैसे हम उनके विषय में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। पहला है चित्र, दस्तावेज। दस्तावेज यानी लिखित रूप से कोई कॉपी या कोई लेख तैयार किया जाए, कोई कागज़ तैयार किया जाए, तो उसे दस्तावेज कहते हैं। गहने, खिलौने, सिक्के, शिलालेख, भोजपत्र, ताम्रपत्र, हथियार, पुराने खंडहर। पुराने खंडहर है जैसे बहुत ही सालों पुराना मंदिर हो, भव्य महल हो और वो गिर गया लेकिन पूरी तरह न गिरा, तो ऐसे महलों को, मंदिरों को खंडहर कहा जाता है। पुराने मंदिर, प्रवास डायरी आदि। प्रवास डायरी मतलब होता है कि घूमने जाए और वहाँ के बारे में वर्णन करके एक डायरी बनाकर लिखना, तो उसे प्रवास डायरी कहते हैं। आदि ऐसे बहुत से आधार हैं बस जिनके बारे में हम इतिहास के बारे में उनसे संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। शिलालेख, पत्थरों पर खुदवाए गए लेख। भोजपत्र, एक विशेष प्रकार के वृक्ष का छाल जिस पर पहले के समय में उस पर ग्रंथ लिखे जाते थे। ताम्रपत्र, ताम्रपत्र पर नक्काशी करके लिखे जाने वाले लेख। खुदाई करके जो लेख लिखा जाता था, उसे ताम्रपत्र पर लिखने के लिए वो आधार होता था। कार्बन डेटिंग पद्धति की मदद से अवशेषों का सही समय काल जाना जा सकता है। और कार्बन डेटिंग पद्धति यानी जरिए की मदद से, कार्बन डेटिंग के जरिए से अवशेषों का सही समय क्या, किस समय का ये अवशेष, उसके बारे में सही सही जानकारी प्राप्त हो सकती है।
हमने देखा कि हमारे आसपास ऐसी कई चीज वस्तुएं तथा संदर्भ ग्रंथ मिलते हैं जिनसे हम इतिहास के बारे में जान सकते हैं। और हम लोगों ने यह देखा भी कैसे कई वस्तुएं कई चीज़ें हमें प्राप्त होती हैं खुदाई के दौरान, जिससे उसको देखने के बाद हमारे पहले के इतिहास के बारे में हम उससे संबंधित जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। कई ग्रंथ मिलते हैं जो हमारे इतिहास के बारे में बताते हैं। इतिहास जानने के स्रोतों के बारे में हमने जो जानकारी प्राप्त की उसकी मदद से इतिहास विषयक सच्ची जानकारी प्राप्त होती है। इतिहास के जानने के जितने भी स्रोत हैं आधार हैं उससे जो भी हम जानकारी प्राप्त करते हैं उसके मदद से हमारे इतिहास में पहले के लोगों का जीवन कैसा था उसके विषय में सच्ची जानकारी प्राप्त हो सकती है। आपके गांव या शहर के स्थानीय इतिहास के बारे में भी इस तरह जाना जा सकता है। और ऐसे ही अगर हमारे गांव में भी किसी तरह के पुरानी वस्तुएं चित्र या मंदिर दिखने को मिलते हैं तो उससे संबंधित घटी घटनाओं के बारे में पहले के हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और आइए हम इसी तरह से अपने गाँव या शहर के विविध अलग अलग आधार जरिया स्रोत को इकट्ठा करके और उससे घटी घटनाओं से के बारे में हम जानकारी प्राप्त करें। इतना जानिए पाटण उत्तर गुजरात की हेमचंद्राय लाइब्रेरी, अहमदाबाद की डीएल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडोलॉजी, नौरंगपुरा गुजरात विद्यापीठ का आदिवासी संग्रहालय, अहमदाबाद भोजे अध्ययन और संशोधन गृह आश्रम रोड अहमदाबाद, कोबा श्रीनगर में श्री महावीर जैन आराधना केंद्र में ताड़पत्र तथा भोजपत्र पर लिखी हुई पांडुलिपियाँ भी आज भी देखने को मिलती है, देखी जा सकती है। बच्चों आज का आपका ये पहला पाठ समाप्त होता है और आप इसको अच्छे से सुनिएगा समझिएगा और इससे संबंधित कुछ प्रश्न आप लोगों को पूछा जाएगा जिसका आप लोगों को उत्तर लिख कर देना पड़ेगा। और आगे का पाठ मैं बाद में पढ़ाऊँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।